हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड हिंट्स। आज के इस टॉपिक में हम झारखंड के डैम्स यानी बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को मैप मोड में याद करेंगे। यह टॉपिक झारखंड में होने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हमने इसके पिछले वीडियो में झारखंड के सारे रिवर्स को मैप मोड में कवर कर लिया। अब हम इसके डैम्स को पढ़ेंगे और बहुउद्देशीय परियोजना प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ हजारीबाग के पठार से जो नदी निकलती है वो है बराकर नदी। देखिए, ये बराकर नदी दिख रहा है। तो बराकर नदी जो कोडरमा में प्रवेश करती है तो इसमें तिलैया डैम बनता है, याद रखना। तिलैया डैम 1953 में, इसका निर्माण कब हुआ, 1953 में। फिर ये आगे जब बढ़ेगी तो बाल पहाड़ी डैम 1959 में। ठीक है, देखिए D4 यहाँ पर डैम हो जाएगा और P4 क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना। तो अब देखिए, ये जो बराकर नदी है गिरिडीह में प्रवेश की, यहाँ पे कौन सा डैम बना है, बाल पहाड़ी डैम कब बना था, 1959 को। फिर ये जब आगे बढ़ेगी धनबाद में प्रवेश करके, धनबाद में इसमें कौन सा डैम बना है, मैथन डैम 1958 में बना था। फिर ये आगे जब जाएगी, देखिए इधर से दामोदर नदी आ रही है, दामोदर नदी और बराकर नदी का जो संगम है यहाँ पे जो डैम बना है उसका नाम है पंचेत डैम, जो 1959 को बना है। ओके, अब देखिए दामोदर नदी के बारे में देखेंगे। दामोदर जो है लातेहार से होते हुए, लोहरदगा होते हुए, हजारीबाग होते हुए, बोकारो, फिर इस तरह से जाती है। ठीक है, तो दामोदर नदी पे एक डैम बना है, तेनुघाट डैम, कब बना था, 1973 का। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ याद रखना है कि जिस डैम के बाद अगर उसका रिवर का नाम जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब उसके डैम और रिवर्स दोनों सेम ही है। इसका कहने का मतलब देखिए, बोकारो डैम जो है बोकारो नदी पे बना है। बोकारो डैम किस पे बना है, बोकारो नदी पे बना है। अब यहाँ पे देखिए, नलकारी डैम जो है नलकारी नदी पे ही बना है। नलकारी डैम किस पे बना है, नलकारी नदी पे, कहाँ पे है, रामगढ़ में, कब बना है, 1968 को बना है। कोनार डैम देखिए 1954 में बना, हजारीबाग में, ये कोनार नदी पे है। ओके, अब देखिए कोडरमा से होते हुए जाती है नदी, कौन सी नदी, सकरी नदी। कौन सी नदी है, सकरी नदी, इस पर कौन सा डैम बना है, केसो डैम। ओके, पंचखेरो देखेंगे तो ये गिरिडीह में है पंचखेरो डैम, इसमें सॉरी ये डैम नहीं प्रोजेक्ट है, पंचखेरो प्रोजेक्ट। ओके, पंचखेरो नदी पे ही बनेगा, कौन सा, पंचखेरो प्रोजेक्ट। बुनासी नदी पे कौन सा प्रोजेक्ट है, बुनासी प्रोजेक्ट है। ओके, अब देखते हैं कनाडा डैम। कनाडा डैम देखेंगे दुमका में मयूराक्षी नदी पे बनाया। ओके, कब बना था, 1955 को। फिर देखिए गुमानी प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे बना है, गुमानी रिवर। जब गुमानी रिवर की बात करेंगे तो साहिबगंज, और जब गुमानी प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो साहिबगंज और पाकुड़ दोनों आ जाएगा। ठीक है, गुमानी प्रोजेक्ट, साहिबगंज, पाकुड़। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, रांची के नगड़ी गाँव से निकलता है। देखिए रांची के नगड़ी गाँव से निकलती है कौन सी नदी, सोनरेखा नदी। कौन सी नदी निकल रही है, सोनरेखा नदी। इस पे बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं। देखिए सबसे पहला डैम जो है गेतलसूद डैम 1971 में, कहाँ पे है, रांची में ही। गेतलसूद डैम 1971 में बना, किस पे बना, सोनरेखा नदी पे बना, कहाँ पे है, रांची में। उसके बाद देखिए सरायकेला खरसावां जैसे पहुँचते हैं, इसमें बहुत सारे डैम हैं, चार डैम्स हैं। ठीक है, कौन सी नदी पे, सोनरेखा नदी पे। पहला चांडिल डैम 1982 में बना, गालोडी डैम 1983 में, ईचागढ़ डैम 1983 में, और पालना डैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये पूर्वी सिंहभूम में प्रवेश करती है इसमें कौन सा डैम बना हुआ है, डिमना डैम। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब देखिए संजय नदी पश्चिमी सिंहभूम में, देखते हैं संजय नदी है और एक खरकई नदी है। ये संजय नदी जाके मिल जाती है किस पे, सोनरेखा में, और खरकई नदी भी जाके मिल जाती है सोनरेखा में। तो संजय नदी पे कौन सा प्रोजेक्ट है, सोनवा प्रोजेक्ट। संजय नदी पे कौन सा प्रोजेक्ट हो गया, सोनवा प्रोजेक्ट। और ईचा डैम बनाया गया है खरकई नदी पे। ठीक है, ईचा डैम किस पे बनाया गया है, खरकई नदी पे। देखिए खूंटी में आपको दिखेगा तजना डैम। ठीक है, कौन सी नदी है, तजना नदी है। जब रिवर का नाम नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब रिवर और डैम दोनों सेम ही है। ठीक है, तजना डैम किस पे बना हुआ है, तजना नदी पे। नेक्स्ट है रामरेखा प्रोजेक्ट। रामरेखा प्रोजेक्ट किस नदी पे है, रामरेखा नदी पे। ठीक है, रामरेखा प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है, रामरेखा नदी पे, और ये कहाँ पे है, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, गुमला में देखेंगे तो दिखेगा अपर संख। अपर संख प्रोजेक्ट है, कब बना था, 1987 को गुमला में। ठीक है, कौन सा नदी है यहाँ पे, संख नदी है। इसको खाली दिमाग में रखना है, ये संख यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे संख नदी है। संख नदी गुमला के चैनपुर से निकलती है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर देखिए लोहरदगा में है सुकरी नदी। ठीक है, लोहरदगा में है सुकरी नदी, इस पर कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, सुकरी प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं पलामू में बटाने प्रोजेक्ट। बटाने प्रोजेक्ट जो है बटाने नदी पे बना हुआ है, और अमानत प्रोजेक्ट अमानत नदी पे बना हुआ है। उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट जो है उत्तरी कोयल नदी पे बना हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हमने झारखंड के सारे डैम्स को देख लिए और काफ़ी कम टाइम में हमने सारे डैम्स को और प्रोजेक्ट को मैप मोड में किया।
तो इसको आप रिवाइज करिए, ओके, ताकि ये पूरी मैप आपके दिमाग में सेट हो जाए, ओके। तो इस तरह से हमने झारखंड के सभी डैम्स और प्रोजेक्ट्स को मैप मोड में कवर कर लिया है, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, थैंक यू।